और राइट, तो अभी मेरा वर्ल्ड यहाँ पे लोड होना स्टार्ट हो चुका है एंड अभी वर्ल्ड लोड हो चुका है और यहाँ पे भी सेम वही ग्लिच हो रहा है, स्किन की ग्लिच। वैसे पहले तो ये होता नहीं था पता नहीं, बट मैंने यहाँ पे एप 11 पे सेट करके रखा है ऑलरेडी कीज। चलो स्किन ग्लिच तो गया और यहाँ पे स्किन पे की स्पार्क वाला एक ग्लिच हो रहा है, तो इसके लिए कुछ नहीं करना अपने को भाई, परफॉर्मेंस में आना है, वीडियो सेटिंग परफॉर्मेंस, और यहाँ पे आपको स्मूथ FPS ऑन करना है एंड इसके साथ साथ फास्ट रेंडर इसको भी ऑन कर देना है एंड अभी सब कुछ स्टेबल हो जाएगा। नाइस, ओके, तो अब सब कुछ स्टेबल है और ये जो स्किन ग्लिच है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, तो आप देख लेना, ये जो टेक्सचर और स्किन में ग्लिच हो जाता है इनविजिबल वाला, वो आप देख लेना। ओके, तो आप चलते हैं दूसरे चीज़ों में। तो ये जो है ये RL क्राफ्ट 2.9 की है और ये लेटेस्ट वर्जन है और लाइट वर्जन है, तो आई होप 3GB के रैम पे भी ये काम कर जाएगा और 2GB में तो भाई पोजा ब्लॉन्चर भी सही से चलता नहीं होगा, आई डोंट नो। वैसे मुझे कुछ चेंजेस तो दिख नहीं रहा एक्सेप्ट सामने की GUI। ओके ठीक है, ये थोड़ा सा ओके, यहाँ पे पहले भी आता था और विलेज भी मुझे कुछ ज़्यादा चेंजेस दिख नहीं रहा, ये बिल्कुल बीटा है भाई। तो मैं अपनी मेन चैनल पे इसकी सीरीज लाने वाला हूँ एंड सारे टेस्टिंग हो जाने के बाद इसकी फुल वर्जन भी मिल जाएगा आपको शायद, अगर ये थोड़ा बहुत चेंजेस करने के लिए मिले तो। और ये बीटा है तो इतना परफेक्ट नहीं होने वाला, यस, तो 4 एपिसोड के टेस्टिंग के बाद जो आएगा वो काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट होगा। एंड अगर आपको उस RL क्राफ्ट की सीरीज़ देखना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन पे जाना, मेरे मेन चैनल की लिंक मिल जाएगा, आज मैं उसकी वीडियो डालने वाला हूँ। तो भाई अब आपको प्रोसेसिंग दिखा देता हूँ, तो प्रोसेसिंग बिल्कुल सिंपल है, इंस्टॉल जार पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको 1.12.2 के फोर्ज को इंस्टॉल करना है, काफ़ी ईजी है एंड आई होप आपको आता होगा इन्हें इंस्टॉल करना, तो मैं ये प्रोसेस नहीं दिखाना चाहता, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ओके एंड यहाँ पे आपको वर्सन वाले ऑप्शन पे आना है और आपको यहाँ पे 1.12 जो फोर्ज वाले वर्सन आपने इंस्टॉल किया था उसको ढूंढना है एंड क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे आपका फोर्ज सेट हो चुका है। एंड इसके बाद आते हैं भाई जो सेटिंग्स दिखा रहा हूँ, जैसे कि मैं अपनी रेंडर दिखा देता हूँ, तो मैं होली रेंडर पे खेल रहा हूँ और रेजोल्यूशन 100 पे है मेरा, अगर आपका लैक हो तो आप इसे 50 पे सेट कर सकते हो या धीरे धीरे उससे भी कम कर सकते हो एंड आपका भाई लैक फिक्स हो जाएगा। ओके, तो ये तो हो गया एंड इसके बाद आपको दिखा देता हूँ ट्विक्स पे, तो यहाँ पे मेरा जावा रन टाइम भाई इंटरनल पे सेट किया गया है, तो इंटरनल मतलब 1.8 जो है, जो पुराना वाला वही है, इंटरनल 1.8 जो डिफ़ॉल्ट वाला है, तो यही डिफ़ॉल्ट पे सेट किया गया है। और यहाँ पे मैंने मेमोरी एलोकेशन को 2910 पे सेट किया था, यानी कि 3GB रैम के आसपास मैंने सेट करके रखा था और 3GB में भी ये काफ़ी बढ़िया तरीके से काम किया है, आई होप आप में भी काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करेगा। और मैंने अपनी भाई जो ग्राफिक सेटिंग है उन्हें भी मैक्स पे सेट करके खेल के देख लिया है, काफ़ी स्मूथ है। ऑल राइट, तो आप इसे डाउनलोड करने के बारे में भी बता देता हूँ, मेरे डिस्क्रिप्शन पे जाना तो आपको इसकी लिंक मिल जाएगा, उसको आपको डाउनलोड करना है एंड देन एक जीप फाइल मिलेगा उसे एक्सट्रैक्ट करना होगा और वहाँ पे आपको कुछ फोल्डर मिलेंगे, मॉड्स, रिसोर्सेज, स्क्रिप्ट, तो आपको अपने पूजा लॉन्चर वाले .mine वाले फोल्डर पर जाना है, वहाँ पर आपको मॉड्स, स्क्रिप्ट, स्ट्रक्चर, कॉन्फिगर, ये चारों फोल्डर डिलीट करना होगा, अगर है तो उसे डिलीट कर देना। एंड ये जो एक्सट्रैक्ट करने वाले फोल्डर होगा वहाँ पे आपको जो चार फोल्डर मिलेंगे उन्हें कॉपी करके .minecraft पे डायरेक्ट पेस्ट कर देना है, तो आपका ये काम हो जाएगा। अगर प्रोसेस समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो मैं स्टोन ब्लॉक पे ये दिखा चुका हूँ, तो आपको डिस्क्रिप्शन पे उसकी भी वीडियो मिल जाएगा, आप जाके उसे चेक कर लेना इस बड़े टाइम पे जाके। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।